करते एक बड़ी खबर का, कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है। रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, न्यूज 18 ने इस खबर को पहले ही दिखाया था और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों ही सीटें कांग्रेस पार्टी का गढ़ है। अमेठी में 2019 के अलावा बीते कई सालों से कांग्रेस पार्टी ने यहां से जीत दर्ज की और रायबरेली सीट पर भी कांग्रेस के तमाम बड़े लीडर्स चुनाव लड़ चुके हैं और राहुल गांधी अब रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे। 2019 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने चुनाव लड़ा था, अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था जो कि वो हार चुके थे। हालांकि जानकारी पहले ये थी कि अमेठी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उसके बाद ये बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। कल रात को ही बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया, रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और साथ ही अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पहले प्रियंका गांधी वाड्रा का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन अब जो लिस्ट जारी की गई है उसमें राहुल गांधी रायबरेली से और केएल शर्मा अमेठी सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो आज नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल गांधी पहुंचेंगे क्योंकि रायबरेली और साथ ही अमेठी दोनों ही सीट पर आज नामांकन भरने का आखिरी दिन है और 3 बजे तक नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी। तो कार्यकर्ताओं में जोश काफी ज्यादा हाई है। ये दोनों तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अमेठी और रायबरेली से। हालांकि जनता अमेठी में राहुल गांधी का इंतजार कर रही थी, लेकिन अब जो जानकारी है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। अमेठी से केएल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे, आज अपना नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे और वहीं रायबरेली सीट से राहुल गांधी अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में शिवम प्रताप सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। शिवम, एक बड़ा बदलाव इसे कह सकते हैं, न्यूज 18 ने हालांकि इस खबर को पहले ही दिखाया था और उसी खबर पर मोहर लग गई है, अमेठी से केएल शर्मा चुनाव लड़ेंगे और वहीं जानकारी है कि रायबरेली सीट से राहुल गांधी चुनावी मैदान में होंगे। देखिए बिल्कुल, जब कल सुबह 2 मई को सब तमाम चैनल अपने दर्शकों को बता रहे थे कि राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, तब सुबह 11 बजे ही नेटवर्क 18 ने अपने दर्शकों को बताया था कि राहुल गांधी चुनाव सिर्फ रायबरेली से लड़ेंगे। वो उनकी मां की सीट रही है, वो भी पूर्व अध्यक्ष रही है, राहुल गांधी स्वयं में पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, लीगेसी को मेंटेन करेंगे और आज उसी खबर पर जो है मोहर लग गई। दूसरी बड़ी बात, अमेठी से केएल शर्मा को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। न्यूज 18 ने एक हफ्ते पहले यह जानकारी दी थी कि केएल शर्मा प्रबल दावेदार है अमेठी से। केएल शर्मा को राजीव गांधी पॉलिटिक्स में लेकर आए थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो छात्र थे, पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं और उनको वो अमेठी रायबरेली की जिम्मेदारी दी थी। तब से केएल शर्मा लगातार अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार के लिए काम कर रहे हैं। बीते 4 दशक में अमेठी में जो भी पार्टी की जीतें मिली हैं उनमें सबसे अहम भूमिका केएल शर्मा की रही है और पार्टी का आज भी यही तर्क है कि केएल शर्मा मोमेंटम में है, वहां के प्रचार तंत्र और कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं उनके ना, और वो लगातार बीते 2 महीने से तैयारी भी कर रहे थे कि अगर कोई भी उम्मीदवार आता है तो उसको फायदा मिले, चाहे वो मैनिफेस्टो को बंटवाना, लोगों के बीच जाना, कैंपेन को आगे बढ़ाना, और आज केएल शर्मा पर मोहर लगी है। दूसरी बड़ी बात, राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ेंगे, ये भी न्यूज 18 ने अपने दर्शकों को 1 महीने पहले बताया था और राहुल गांधी यूपी के रायबरेली से अवताल ठोक रहे हैं कांग्रेस के लिए। अब यूपी में और नॉर्थ इंडिया में उम्मीदें जागी हैं, उनका पार्टी का जो वर्कर था वो निराश था, उसको उम्मीद थी कि अगर राहुल प्रियंका नहीं लड़ेंगे तो मेरी पार्टी का जो मोमेंटम है, पार्टी के जो कार्यकर्ताओं का ट्रस्ट है वो कैसे मेंटेन रहेगा। अंततः लगातार न्यूज 18 बता रहा था कि प्रियंका गांधी क्राइसिस मैनेजमेंट और मैनिफेस्टो का काम देखना चाहती है, कैंपेनिंग करना चाहती है, तो उनको इस बार चुनाव नहीं लड़ाया गया है, लेकिन राहुल गांधी की रायबरेली। लेकिन शिवा, इस बड़े बदलाव के पीछे की आखिर क्या वजह निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल उठाती रही है कि राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट देने की कोशिश कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो क्या ये भी एक बड़ा फैक्टर है? देखिए बिल्कुल, 2019 में राहुल गांधी की यूपी की हार के बाद वो वायनाड चले गए, यूपी की पॉलिटिक्स में खासे एक्टिव नहीं रहे, लेकिन कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि अगर गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमांड यूपी से चुनाव नहीं लड़ता है, जिस दौर में यूपी में पीएम मोदी, सीएम योगी की आंधी है,
तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए कोई उम्मीदें नहीं बचेंगी। आप समझिए कि कन्नौज से, यूपी के कन्नौज से पहले अखिलेश यादव ने अपने भतीजे तेज प्रताप का टिकट किया, लेकिन पार्टी वर्कर्स ने कहा जो वेव है बीजेपी की यूपी में उससे लड़ना है तो पार्टी हाईकमांड को लड़ना पड़ेगा। अंततः अखिलेश उतरे और उन्होंने उस दिन ये कहा भी था कि अब यूपी में ही पूरी मैं